बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेंबर, थैंक्स ऑलवेज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मेरे मैसेजेस, मेरे कमेंट्स, मेरे फेसबुक मैसेंजर आजकल बिल्कुल कहते हैं ना कि टॉप तक भरा होता है ऑलवेज। और माजरत के साथ बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं और मेरा रिप्लाई करने का टाइम इवनिंग में होता है। आई एम श्योर जो मेरे भाई काम करते हैं, यूरोप में रहते हैं, जो इन एक्टिविटी से वाकिफ हैं, आपके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होगा ये समझना कि आई रिप्लाई लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ। तो थोड़ा वेट किया करें, बार बार मैसेज करने के बजाय बस आपने मैसेज किया, इंशाल्लाह उसका वेट करें। आई डेफिनेटली रात को सोने से पहले मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ सब मैसेजेस का, सब कमेंट्स का, अभी तक तो आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका हाल वाल पूछने से पहले ये बता दूँ टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले दिनों के हवाले से। मौसम की हवाएं भी ठंडी हो रही हैं और अम्बेसी की तरफ से जो वीज़ास की एप्लीकेशंस की हवाएं भी ठंडी आ रही हैं। स्पेशली पिछले लास्ट वन मंथ से काफ़ी स्पीड अप प्रोसेस हुआ हुआ है हर लिहाज से। बहुत से दोस्तों को वीज़े मिले हैं, बहुत से फैमिली मेम्बर्स को, यूट्यूब फैमिली मेम्बर हमेशा मैं कहता हूँ मीन्स के इसमें सब आ जाते हैं, वो मेरे भाई जो मुझे डिटेल्स इन्फॉर्म करते हैं। कल भी मुझे माशाल्लाह 5-6 दोस्तों ने इन्फॉर्म किया था, वीज़ा कम्युनिटारियों का जो जिनकी शादी हुई है स्पेन में, जिनकी वाइफ्स हैं उनके भी वीज़े लगे हैं, पासपोर्ट्स मिले हैं उन्हें। और आज स्पेशली टॉपिक ये है कि जो इंक्वायरी वाला सिस्टम है अम्बेसी। एक दो दोस्त ने यूट्यूब पे कहीं कमेंट किया था और मैंने उनसे कहा था कि अभी तक कन्फर्म नहीं है। कल भी मुझे एक सिस्टर ने ये चीज़ कही थी और आज भी एक सिस्टर है, उनके कमेंट्स आपको वीडियोस के नीचे नज़र आ जाएंगे जो लेटेस्ट आज के कमेंट्स हैं। उनको भी एम्बेसी की कॉल आई है कि आप ये सारी चीज़ें लेके एम्बेसी में आएं और हमने आपका इंटरव्यू लेना है। तो पॉसिबल है वो भाई ने जो कमेंट किया था वो सही हो, मेरा डायरेक्ट एम्बेसी से कोई रब्ता नहीं होता, लेकिन ज़्यादा केसेस में, ज़्यादा चांसेस में जो मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं, स्पेशली जो व्यूअर्स जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं उनके कमेंट्स हैं और जो स्पेनिश वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से जो टॉपिक्स, जो मवाद, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। एक बंदे ने सुनी सुनाई बातें करनी है वीडियोस देख के, और एक वो बंदा जो किसी आदमी को जानता है फिजिकली पर्सनली और उसको पता है वीज़ा अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, अब क्या रिप्लाई आया, या मेरे पास लेटर्स आते हैं जो आप सब मुझे भेजते हैं कि देखें हमें ये रिक्वायरमेंट लेटर आया इसका क्या मतलब है, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। आजकल एम्बेसी कॉल्स कर रही है, ये मेरी नज़र में मेरे साथ दूसरा केस है 3 दिनों में जिनको इंटरव्यू की कॉल आई है रीग्रुपासियन में, फैमिली वीज़ा में। शादी वाले जो केसेस हैं उनमें 99% को इंटरव्यू की कॉल आती है। एक डॉक्टर साहब हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें ज़िंदगी दी है, उनके बेटे का केस जमा है, उनकी वाइफ जो है वो स्पेन में है, शादी उनकी हुई थी, ऑनलाइन निकाह हुआ था, और लेकिन वो बाद में काफ़ी मुल्कों में मिले हैं, आते जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो मेन मकसद है कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उनका इंटरव्यू था। इंटरव्यू में जो डिटेल्स मैंने उनसे शेयर की थी कि क्या होगा, क्या वो पूछेंगे, हमारे जहन में एक नया बंदा जो पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं। सेम उसी तरह जब मेरी वाइफ की बच्चों की इंक्वायरी हुई थी तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका मुझे आइडिया भी नहीं था, मुझे तो था मेरी वाइफ को नहीं था, तो अंदाजे लगा के जवाब देने से बहुत बेहतर है आपको पहले से पता हो इन चीज़ों का, आपने तैयारी की हो। ऑफकोर्स इंटरव्यू या इंक्वायरी आपके केस की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से किरदार अदा करता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, आपका एक गलत दिया हुआ सवाल आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकता है। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा अभी।
ये सारा आज का ब्लॉग इस डिटेल के बारे में है। वो मेरे भाई जिन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ है या करना है, या इंटरव्यू की कॉल है, या शादी की इंटरव्यू की कॉल है, ये ब्लॉग जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को हमेशा की तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे। मेरे चैनल को 52% मेरे वो दोस्त देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। यार आप प्यार तो हमसे करते हैं, लेकिन सच्चियाँ मोहब्बत वो नहीं था। वो क्रिकेट में मोहब्बत जो है वो दोनों तरफ से होती है। वो जो रो रहा था, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो लड़का, तो बात वही है, मोहब्बत दोनों तरफ से होगी, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से। वीडियोस देखें, इन्फॉर्मेशन लें, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अनसब्सक्राइब व्यूअर्स ज़्यादा हैं, 48% वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। सो आई एम श्योर, जस्ट प्लीज क्लिक ऑन दिस सब्सक्राइब बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ व्हाट वी आई गेट करेज टू डू वर्क ऑन माई चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। कॉल आई थी आपको वीज़ा इंटरव्यू की एम्बेसी से कि भाई फलां दिन आपका इंटरव्यू है, उसी को आएगी जिसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिग्रू पासियोन में, जो आपने जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है वो स्पेन में रह रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाना है। होता क्या था, जब आप वीज़ा जमा करवाते हैं स्टार्ट में ही TCS वाले वीज़ा फीस के साथ 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपसे इंक्वायरी फीस ले लेते हैं। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये सिस्टम चल रहा है कि सम एप्लीकेंट्स उनसे वो वीज़ा इंक्वायरी फीस नहीं लेते, वीज़ा की फीस ले लेते हैं, इंक्वायरी फीस नहीं लेते। बंदा डाउट में पड़ जाता है ये क्या हुआ है, क्यों है, लेकिन दिस इज़ टोटली नॉर्मल। इंक्वायरी फीस वो उस वक्त लेंगे अगर आपकी तरफ उन्होंने इंक्वायरी वाला बंदा भेजना हो। उसके चार्जेस हैं, वो जितना ट्रैवल करके आता है, जितनी इंक्वायरी करता है, जितना वर्कआउट करता है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने बंदे हायर किए होते हैं, उसकी फीस आप पे करते हैं। अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो आप 27,000 रुपया नहीं देंगे एम्बेसी को, एम्बेसी आपसे चार्ज नहीं करेगी। वही पैसे आप इस्लामाबाद जाएंगे, एम्बेसी में अपीयर होंगे, अपने आने जाने के खर्चे में उतना ही आ जाता है। लेकिन इंटरव्यू जब होगा तो आपकी पर्सनल डिटेल सारी आप खुद जाके एम्बेसी के हवाले कर रहे हैं। स्पेन एम्बेसी चंद एम्बेसियों में से है जिनकी इंक्वायरी होती है, ज्यादातर एम्बेसीज इंक्वायरी नहीं करती। इंक्वायरी स्टार्ट इसलिए हुई थी पाकिस्तान में नादरा के आने से पहले, या जब नादरा नया आया था पाकिस्तान में, पैसे दे दिला के 2 नंबर पासपोर्ट, नए बच्चों का इंदराज, फूफी चाचे मामे भांजे भतीजों का इंदराज सिस्टम में हो जाता था। एम्बेसीज इन चीज़ों से वाकिफ होती हैं, एम्बेसीज में भी हमारी तरह के बंदे, हमारे नेशनल बंदे काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से उन्होंने खुद हायर किए होते हैं ताकि लोकल कम्युनिटी की जो अंदर खाते की चीज़ें हैं वो हम तक आ सकें। इस वजह से आके एम्बेसी ने इंक्वायरी शुरू कर दी थी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारे जहनों में भी आता है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ स्पेन में हूँ, मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, तो यार उनको मैं अपने नाम में लिखवा के जब फैमिली अप्लाई करूँगा तो इनको भी ले आऊँगा। लेकिन अब नहीं होता। नादरा का निज़ाम अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट कि जो फॉरेन एम्बेसीज हैं नाउ दे ट्रस्ट ऑन नादरा, उसके सारे सिस्टम पे। ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सा काम किया है इसके ऊपर और अभी और करने की ज़रूरत है, लेकिन मी पर्सनली एज ए पाकिस्तानी आई रियली थिंक आई एम प्राउड ऑफ दिस सिस्टम। कैसे मैंने अपना कार्ड रीन्यू करवाया, घर बैठे ही यहीं पे आया है, बच्चों के पासपोर्ट रीन्यू करवाए हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से फीस दी है, हमारे घर में डाक खाने में बच्चे के पासपोर्ट आए हैं। मीन्स देयर इज समथिंग, ए स्ट्रिक्ट सिस्टम, ए ग्रेट सिस्टम इज वर्किंग बिहाइंड। सो नाउ अब जो एम्बेसीज हैं वो उस पर ट्रस्ट करती हैं कि डॉक्यूमेंट्स से ज्यादा इंक्वायरी की जरूरत है बंदों का पर्सनल इंटरव्यू। पहले भी इंक्वायरी में यही होता था, आपकी तस्वीरें लेके जाते थे, अपने मोबाइल से आपकी तस्वीरें खींचते थे, वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते थे, एम्बेसी के और आपके दरमियान वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब एम्बेसी आपको खुद पर्सनल अपीयरेंस पे बुलाएगी, आपसे वही सवाल होंगे जो वो उस वक्त पूछते थे। मेन चीज है आपको तैयार होना है, आपका मेंटली तौर पे केस तो आपका जेन्युइन है 100%, लेकिन आपके पास शादी की तस्वीरें हैं, शादी की डेट्स का आपको पता हो,
किस वकील ने साइन किए थे, आपके गवाह शादी पे कौन थे, आपका वलीमा कहाँ हुआ था, आपके हस्बैंड पहली दफा आपको कब मिले थे, ठीक है, पाकिस्तान में वो कब कब आए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बिल्कुल होता है। लास्ट दफा आपके हस्बैंड पाकिस्तान में कब आए थे, या अगर आप हस्बैंड पाकिस्तान में हैं, वाइफ बाहर है बुला रही हैं, तो आपकी वाइफ कब आई थी, किस डेट को आई थी और कितने दिन रही थी। सेकेंडली, वो काम क्या करते हैं। हम अक्सर जो बाहर लोग हैं, हम अपनी फैमिलीज को सही नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं। आपकी एक्टिविटी का वीजा लाबोरल के हवाले से स्पेन में जब आपका टैक्स चलता है, आप उनको पता होता है आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये जो सवाल होते हैं एम्बेसी के, ये आपके सिस्टम से टैली करने चाहिए। आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वाइफ को भी पता होना चाहिए आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। आप कितनी नॉमिनल ले रहे हैं, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, वाइफ को भी पता होना चाहिए कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान में आपने कितने पैसे भेजे थे, उसकी रिसिप्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसे भेजने की रसीदें अपने पास जरूर रखें, दो तीन आखिरी रसीदें आपके पास जरूर होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने घर पास करवाया था स्पेन से फैमिली वीजा अप्लाई करने से पहले, जब घर पास करवाया था तो घर का किराया कितना था, उसके कमरे कितने थे, ठीक है, उसका किराया कितना, उसके कमरे कितने हैं, ये सारे सवाल जो आप ये वीडियो जो स्पेन में रह रहा है फैमिली मेंबर वो भी देखें, और जो पाकिस्तान में इंक्वायरी के लिए भी इंटरव्यू देना है या वैसे एम्बेसी में इंटरव्यू देना है, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जवाब देंगे, आपके जो इन्फॉर्मे घर के पास हुए हुए हैं, घर का कोंतरा तो लगा हुआ है, घर की सारी, आजकल इंटरनेट का दौर है, कोरोना ने 100% सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, हमारे जर्मन कार्ड रिन्यू हुए हैं 120% ऑनलाइन हुए हैं, 120% इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर वाला 20% के जो कार्ड तक है वो हमें डाक में आए हैं, और जो पुराने कार्ड है हमने डाक में ही डाल के वापस भेजे हैं। सो हर चीज इज ऑनलाइन, सिस्टम पहले से फास्ट हो गया है, 1 सेकेंड लगता है आपके इन्फॉर्मे कंत्रातों को स्कैन करके एम्बेसी में भेजना, एम्बेसी का स्कैन करके वहां भेजना, डॉक्यूमेंट्स हर चीज वेरीफाई हो जाती है। सो द इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करें, ठीक है, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ रिग्रुप आसियन की, जो जिनके हस्बैंड बाहर हैं, नेशनैलिटी नहीं है, पास फैमिलीज को बुला रहे हैं, आपको सारी डिटेल का पता होना चाहिए, ठीक है, कि घर कौन सा पास करवाया था, कितना किराया था, कितने कमरे थे, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप पाकिस्तान कितने पैसे भेजते हैं, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके सर्टिफिकेट होंगे, बच्चों का जो जब बच्चे पैदा होते हैं उनको हिफाजती टीके लगते हैं, उसकी एक बुक बनती है, हर हॉस्पिटल बना के देता है, वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तो आपने पहले ही दिए हुए हैं। मेन चीज है उन्होंने आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है कि यू आर रियल हस्बैंड एंड वाइफ, फेस डाटा भी मैच होता है, देर इज नो डाउट, आजकल तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो बच्चों के बाप को माँ की तस्वीरों को मैचअप कर देते हैं कि इतने परसेंट मुशाबहत है, इतने परसेंट है, जिसमें डाउट हो, आप देखें जब आप वीजा जमा करवाते हैं वो आपसे सिग्नेचर लेती हैं कि अगर हम डीएनए करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं या नहीं, हम साइन करते हैं यस यू कैन डू, भले फीस हम पे करते हैं, लेकिन वो इसी सूरत में अगर कोई शक हो उन्हें कि बच्चा इनका नहीं है, फैमिली का किसी दूसरे मेंबर का लेके डाला हुआ है, तो वो भी करवा सकते हैं। सेम उसी तरह इंक्वायरी का भी सारा प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। गुड न्यूज़ ये है कि जो बंदा इंटरव्यू दे के आएगा, आपको एक फर्दर प्रोसेस जो स्टेप है आपका, आप उसे बच जाएंगे। पॉसिबल है आप वीजा जमा करवाएं, 2-3 महीने पहली दफा पासपोर्ट ही वापस ना आए, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आ जाए, इंटरव्यू के बाद आपको वीजा लग के पासपोर्ट मिल जाए, सो दैट इज समथिंग वेरी गुड न्यूज। पहले ऐसे ही होता था, इंक्वायरी का सिस्टम बाद में शुरू हुआ था जब डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा फ्रॉड्स, हमारे कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स, हमारे साथी, मैं नहीं कहता कि हम लोग है तो वो हम पाकिस्तानी है, लेकिन आई डोंट नो वो किस तरह के सोचते हैं इंसान, क्या सोचता है कि मैं अपना काम सीधा करने के लिए दूसरों को खड्डे में डाल रहा हूं। कुछ दोस्तों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पे एम्बेसी की 2 नंबर स्टैंप्स लगाई थी, और ये लोगों ने काम किया था पाइस वास्को सूबा स्पेन का, वहां पे पैसे लेने के लिए, पैसे मिलते हैं वहां पे,
उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के लिए उन्होंने दो नंबर स्टैम्प्स लगाई थी जो पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से आके एम्बेसी ने टोटल अपना निज़ाम स्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन अब हवाएं और तरफ चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल तो हमें शुरू से ही है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ही करें, हमारा वीज़ा का जो निज़ाम है, एक बंदा नाइजीरिया और पाकिस्तान आर टू कंट्रीज जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं एम्बेसीज के हवाले से डॉक्यूमेंट फॉल्सिफिकेशन में। आई एम ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, बट समटाइम जो नफ्स है ना इंसान का, वो मजबूर कर देता है इंसान को गलत काम करने में। वहाँ पे आके हम भूल जाते हैं हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो उस चीज़ में आके हम लोग डॉक्यूमेंट्स की फालसिफिकेशन में बहुत आगे हैं। लेकिन एम्बेसी को अब ये एम्बेसी जितनी भी हमको पता चल गया होगा कि जो निज़ाम है नादरा का वो इतना टाइट, सिक्योर और ऑनलाइन है, एक क्लिक के ऊपर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जब आप FRC निकालते हैं उसके नीचे एक लिंक आता है, वो लिंक आप ऑटोमेटिकली लिखें, सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ है और अब सिस्टम को फास्ट होना चाहिए। मैं बता रहा था कि ये दो कंट्री हैं दुनिया में जिनका वीज़ा सबसे लेट लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वीज़ा लगने का, सोचने से लेके वाइफ के वीज़े लगने तक 3 बच्चे मेरे मेरे जिटे जवान हो जाते हैं। तो बंदा आंदा हूँ तो उदू तो बुढ़ी का मैं किया वीज़ा पाई, तो हूँ 3 सालों बाद जाने का भी करना पैना है, फिर बुढ़ी भी उत्थे रहती है तो जाने भी उत्थे रहते हैं। बंदा कहता मैं स्पेन ही कर लेना। चलो इस गल छोड़ दो, बुढ़िया मत दिल से लाई जान। तो बात करने का मकसद है कि इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एम्बेसी ने किया हुआ था, हम लोगों की वजह से किया था, लेकिन मैं उम्मीद है, मुझे दुआ करता हूँ मैं कि वो इसी तरह करेंगे। आप वीज़ा जमा करवाएं, स्पेन से पहले पेपर पास हो गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पहले ही लीगली सार हो गए हुए हैं, और नादरा का सारा सिस्टम ऑनलाइन चेक कर लें, वो आपको इंटरव्यू कॉल कर लें। इंटरव्यू कॉल करें महीने में, 2 महीने में, आपको पता हो आप इंटरव्यू दे आए हैं, पासपोर्ट पे वीज़ा लगे आपको मिल जाए। 4 to 5 months ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम, बट 1 to 2 years दैट इज समथिंग, भूल जाएं आप 10 बीमारियां लगा के बैठ जाएं। मैं भी कुछ 10 बीमारियां लगा के उनकी दवाइयाँ खा रहा था, पहले 2 बच्चों को बुलाया, फिर 1.5-2 साल लग गया वाइफ को आते हुए छोटे बच्चों को, जाने रोन अम्मा कितने वे, अम्मा आखे जाने कितने ने, पिंड वाले आखने ने दूजा ब्याह किया है, वो सारे चक्कर च मैं बहुत ब्लड प्रेशर हो गया मैनू। तो ये सारा डिटेल है उसकी इंक्वायरी की, जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे ये सारी चीज़ें तैयार करके जाएं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, फ्रेश हर चीज़, रेगुलर जेन्यन आपको पता होना चाहिए। कंफर्म करें, अपने पार्टनर के साथ सवाल जवाब करें, उनसे पूछें ये सारी डिटेल्स, ये पूछी जानी है। ये तो ब्लॉग 20 मिनट पे पहुंच गया। जो शादी वाला है वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, फास्ट सा बता देता हूँ, उसमें फ़र्क है। और मेरा डाउट 1 महीना पहले जो डॉक्टर साहब का मैं जिक्र किया मैंने स्टार्ट पे, उनके बेटे से का जब इंटरव्यू हुआ था, मेरी बात हुई थी, वो सारा डाउट मेरा क्लियर हो गया। पहले भी बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ हुए हैं और सम टाइम तो मैं भी साथ स्पेन में जाता रहा हूँ एज ए ट्रांसलेटर, मुझे पता होता क्या कंडीशन है। मेन चीज़ यही है वो पूछते हैं, शादी वाले जो जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल स्पेनिश नेशनल से शादी करते हैं, उसमें कि आपकी बीवी को रंग कौन सा पसंद है, वो सोती किस करवट में है, लेफ्ट या राइट, ठीक है, आपके कमरे का साइज कितना है, कलर कौन सा पसंद है, बेडशीट कौन सी है, टूथब्रश कौन सी है, टूथपेस्ट कौन सी यूज़ करते हैं, आई मीन एवरी थिंग रिलेटेड टू, जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होता। फूफी का नाम क्या है, चाची का नाम क्या है, उसकी जो बड़ी फूफी की बड़ी कुड़ी है उसका नाम की है। तो ये सारी डिटेल्स शादी वाले इंटरव्यू में पाकिस्तान में स्पेनिश एम्बेसी जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा तो आपसे पूछते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर। इसका ये मकसद नहीं है या ये मतलब नहीं है कि आप कोई दो नंबरी कर रहे हैं, भाई आप एक जंग पे जा रहे हैं, आई मीन आपको पता होना चाहिए, आपने तैयारी नहीं की। आप कहते हैं हाँ यार मुझे तो सारा ही पता है, आपको पता है मेन मेन चीज़ों का, वहाँ पे जाके वो पूछ लेते हैं, अच्छा जी बताएं जो आपकी बीवी की छोटी बहन है, आपकी साली है, उसका क्या नाम है, उसका निक नेम क्या है, यही सवाल उन्होंने वहाँ पे करना है। जब सवाल आपस में नहीं मिलेंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, यही चीज़ें होती हैं। और उन्होंने आपको अल्लाह माफी दे, कोई आपको जेल नहीं कर देनी, मेन चीज़ ही ये है, उन्होंने बाद में डिसीजन लेना होता है।
और बात करते हुए कॉन्फिडेंट रहे, यह नहीं होए कि हाथ मलन डे ने जनाब धरोन लग पे हो, हाय वीजा ला दियो, इंज नहीं जे लगना, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, रियलिटी को फेस करना सीखें, अल्लाह ताला की जात पे ढेर तवक्कल करें, और कमरे से रोशनी निकलना शुरू हो गई है, ये साइन है कि छोड़ दियो, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, व्यूअर्स नहीं देखेंगे। इन द मीन टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर दोज हु आर स्टिल हियर वॉचिंग माई वीडियो। नहीं, इंशाल्लाह मैं मोहम्मद अली साहब आए हैं। ओके ओके, आप जाएं आप जाएं। ओके यू कैन गो नाउ, यस दैट्स गुड। सो टेक केयर ऑफ यू, प्लीज मुझे दुआ में याद रखिएगा। और लास्ट में मैं फिर कहूँगा, वीडियो वॉच आप जरूर करते हैं, लेकिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत कुछ आने वाले दिनों में और डिटेल्स आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, जिस जिस तरह हालात बदल रहे हैं, मेरी कंडीशंस यहाँ पे हर लिहाज से, लीगल होने से लेके कागजों से, डॉक्यूमेंट से, जॉब से, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो ऑल दिस चेंजिंग्स आई एम ब्रिंगिंग हियर ऑन माय चैनल, मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई भी आपको चीज़ पूछना हो, यू कैन राइट एनी कमेंट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई विद इन वन डे और 48 आवर्स। को टाइम फ्रेम इतना लंबा नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम ऑलवेज बिजी, और सेकेंड टाइम आई डू माई बेस्ट कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, दैट इज़ ऑल वट वी नीड, वट आई नीड, वट आप नीड, जो आपको ज़रूरत है, सदका खैर खरात किया करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत सा तवक्कल करें, और बाकी सब रब की ज़ात पे छोड़ दें। कोशिश करें, मेहनत करें, खुश रहें, खुश रहने दें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें आजकल ज़रूरत है, मुसलमानों को और पाकिस्तानी हर एक बंदे को, रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अगले की ज़िंदगी को भी खुश रख, उसके लिए खुशियाँ पैदा करें, कहीं पे कोई मुश्किल किसी को नज़र आ रही है उसकी हेल्प किया करें। दैट इज़ वट मेक्स मेक्स अस ह्यूमन। ओके सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।